स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है वापस से एक ऑसम दिन में। और आज के दिन हम लोगों से पेपा पिग की बात करेंगे। इसका नाम कितना अजीब है, पेपा पिग। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग पेपा पिग की कुछ बहुत ही शानदार स्केरी एनिमेशन को देखने वाले हैं, जो बहुत गजब होगी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये रहा पहला एनिमेशन। तुम लोग इसका नाम देख सकते हो, आई कैन काउंट टू थ्री। यार इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है मेरे को नहीं पता, पर चलो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब, मेरी जो है आवाज सुन के फट गई। पर दोस्तों ये कैसा आवाज है। ऑल राइट हम लोग आगे देखते हैं। इस वीडियो के अंदर तो एक नैरेटर है जो कि इंग्लिश में बात कर रहा, अब पर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं। ये कैसा आवाज है, पेपा पिग किधर है। How to count to three? Okay, वो हमें तीन तक की गिनती सिखा रहा है। पर मैं दोस्तों स्मार्ट हूँ, मेरे को पता है तीन तक की गिनती। One, four, three. All right, तो ये रहा पेपा पिग का कमरा। ये क्या हो रहा है? मम्मी आई रे, ये क्या है, ये पेपा पिग है। ये तो शैतान है और उसने अपने पापा पिग को खा लिया। ये रहा दोस्तों जॉर्जी। ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये सब क्यों देखता हूँ। क्या मतलब, पैसों का चक्कर है। ऑल राइट हम लोग वापस से पीछे देखते हैं। ये क्या मानुस है। ऑल राइट इसके मुंह पे बहुत ज्यादा खून लगा है। ये रही दोस्तों मम्मी पिग। ये रहा जॉर्जी जो कि एक बेड के नीचे छुपा हुआ है। ये रहा इविल पेपा पिग। आई ये खा के दोस्तों सांड क्यों हो गया है। ऑल राइट तो ये जो है अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। इतना मोटा हो गया है कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा। वो जो है शायद जॉर्जी को ऐसे ऐसे महक के पता करने की कोशिश कर रहा। पर एक सेकंड में क्यों सुअर वाली हरकत कर रहा हूँ। ये रही मम्मी पिग, ये रहा जॉर्जी। और नल्ले क्या हाल चाल है, क्या मतलब तेरी फटी पड़ी है। मम्मी पिग उसे बुला रही है, बेटा जल्दी मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारी बहन तुम्हें मार देगी। ओ सेट, पेपा पिग यहाँ पे आ चुकी है। ओ ओ नहीं, अरे ये दोस्तों मच्छर तो एकदम नाक में उंगली कर दिया है। पर कोई नहीं, ये देखो आप लोग, ये पेपा पिग के हाथ में ये मम्मी पिग का मरा हुआ मीट है। ओ माई गॉड। ओके आगे देखते हैं। ऑल राइट जॉर्जी अभी भी बेड के नीचे है, वह बेचारा नल्ला सो रहा है और पेपा पिग अपने मम्मी को खा रही है। ये कितना इविल साउंड कर रहा। ओ सेट मेरे ख्याल से जॉर्जी भी मरने वाला है। दोस्तों ये वीडियो पूरा इंग्लिश था पर मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ मैं सिर्फ ये फुटेज देख लेता हूँ। ओ सेट जॉर्जी मरने वाला है। आ पर मेरे से क्या मतलब। आए अबे नल्ले, ये तेरे नाक से क्या ग्रीन ग्रीन निकल रहा है। बेचारे को डर के मारे सर्दी हो गई, वो रो रहा है। आई कैन काउंट टू थ्री। ओके मैं तीन तक की गिनती कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे को तो तीन तक की गिनती शायद से नहीं आती है। आपको आती है ढंग से गिनती तो नीचे अपनी गिनती बताना। गया नल्ला गया काम से दोस्तों। और एक सेकेंड, ये वाले फ्रेम में देखो जॉर्जी की हाइट कितना ज्यादा छोटी है, वो नल्ला कितना छोटा सा है और ये इविल पेपा पिग कितनी ज्यादा बड़ी है। ओके
मेरे ख्याल से दोस्तों जॉर्जी का भी खेल खत्म हो चुका है, उसका द एंड हो गया। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये रहा सेकंड एनिमेशन। वाओ, हमारे सामने मोटे डैडी पिग हैं, राइट साइड में मम्मी पिग और नीचे दो छटंकी से बच्चे। ये लोग इंग्लिश में फिर बात कर रहे हैं यार, मेरे को वापस समझ नहीं आएगा, पर मैं समझने की कोशिश करूंगा। ओके, डैडी पिग मेरे ख्याल से बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं, वो वहां से शायद टॉर्च लेने जा रहे। वाओ, डैडी पिग की सिर्फ आंख दिख रही है, वो कुछ ज्यादा ही काले हैं। आ नो 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 रेसिस्ट जोक दोस्तों। ओके ओके, मम्मी पिग को याद आ चुका है कि वो टॉर्च असल में किचन के अंदर है। यो मैन, यहाँ पे कितना अंधेरा है वैसे, बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। और ये क्या, डैडी पिग के आसपास कोई है? यो यो, कौन है पास में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे को डर लगा। हाँ, कौन कमेंट कर रहा है, मेरी फटी पड़ी है। ओके, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। डैडी पिग का तो दोस्तों स्वाहा हो गया। डैडी पिग हैज बीन गॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, इस वीडियो के अकॉर्डिंग डैडी पिग काफी समय पहले मर चुके हैं। ओ बेसिकली मैं कुछ नहीं समझा। ओ वाओ, वो अभी तक बेसमेंट में पड़े हुए हैं और किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। ओके, लेटर दैट नाइट। यो मैन, ओके, तो ये जो है कमरा है, यहाँ पे पेपा है, यहाँ पे जॉर्जी है। वाओ, ये नल्ला भी यहाँ पे है। ओके, वो खिड़की में से झांक रहा है, वो तो खिड़की के बाहर था ना, फिर वो अंदर कैसे आ गया? आई डोंट नो दोस्तों, पर मेरे को कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है अंदर आने का। यो, वो मास्क पहन रहा है। ओके, वो जो है मास्क पहन के अंदर आया है। वाओ, उन दोनों की दोस्तों हालत खराब हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब वो दोनों भी मरेंगे। वाओ, मौत का तांडव शुरू हो चुका है। वाओ, वो दोनों मर गए। क्या मस्त म्यूजिक है। निकल ले भाई तू। ऑल राइट, आगे देखते हैं भाई। ये अंधेरा हटा, मेरा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को सामने। ओके, फाइनली दोस्तों, जमानों के बाद मम्मी पिग बेसमेंट में गई हैं और उन्हें अब डैडी पिग मिलेंगे जो कि निपटे हुए हैं। दरवाजा किसने बंद कर दिया? ओके, अरे मम्मी पिग, अंधी मत हो, तुम सामने देख सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड तो निपट चुके हैं। सो सैड हुआ, पर मैं हूँ ऑप्शन में। अबे साले। ऑल राइट, मम्मी पिग आगे क्यों जा रही है? उन्होंने अपने हस्बैंड को वैसे ही मरा हुआ छोड़ दिया। और ये क्या, टू बी कंटिन्यूड। चलो फटाफट से अगला पार्ट देखते हैं। ओके दोस्तों, ये देखो, ये रहा सेकंड पार्ट, ये भी स्टार्ट हो चुका है। सामने वो रही मम्मी पिग। ओके, सीट, वेयर डू आई गो? ओ तो मम्मी पिग कंफ्यूज है कि उन्हें कहां पे जाना है। दरवाजे की आवाज है दोस्तों। हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा। और ये देखो, इविल पेपा पिग यहाँ पे आ चुकी है। ओके, कुछ तो आवाज हो रहा है। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों मम्मी पिग का भी खेल खत्म है, क्योंकि वो इविल पेपा पिग उन्हीं के पास जा रही है। यो, ये तो एक नोट है, दे नेवर लिसेंड। ओके, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? दे नेवर लिसेंड, उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आहा, शायद इसका यही ट्रांसलेशन है। ओके, ये पर इस नोट का मतलब क्या है? शायद से ये इविल पेपा पिग हमसे या फिर मम्मी पिग से कुछ कहना चाहती है।
ये यार ये कैसा बेसमेंट है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कैसा आवाज है दोस्तों, कोई रो रहा है मेरे ख्याल से। अबे पर हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो साक्षात एक भूत है, पर ये रो क्यों रही है? ओके ऑल राइट, आगे देखते हैं। ये क्या हो रहा है, किसी का आंख खोल रहा है। आई मम्मी पिक तो अभी बेसमेंट के अंदर थी, वो अपने बेसमेंट से बाहर आ चुकी हैं, वो अपने घर के पास आ चुकी हैं। यो मैन, मम्मी पिग ने देख लिया कि उनके दोनों जो बेटे हैं वो निपट चुके हैं। और ये क्या, सामने एक और नोट है, अंदर नोट। ओके इसे भी पढ़ते हैं। दे लेफ्ट मी टू रोट इन द सैड आई स्केप्ड। ओके इविल पेपा पिग हमसे बेसिकली कुछ कहना चाहती है। आई ये बी टू बी कंटिन्यूड, हमें इसका भी अगला पार्ट देखना होगा। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो थर्ड पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोग सेड नामक जगह की बात कर रहे थे, तो अब हम लोग सेड नामक जगह पे आ चुके हैं। पर सेड होता क्या है, मेरे ख्याल से दोस्तों झोपड़ी होता होगा। और ये क्या, इसके अंदर भी नोट है, इफ यू फाइंड दिस आई विल लीव द क्या है आगे, ये क्या लिखा है, मेरे ख्याल से की ऑन द डेस्क, आई विल ट्राई टू फाइंड माय वे आउट ऑफ हियर। भाई इतना भयंकर इंग्लिश मत लिखा करो कि मेरी हालत खराब हो जाए। ओके मेरे को नोट के बारे में तो बेसिकली कुछ नहीं समझ आया, पर हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यो हमें एक चाबी मिल चुका है, उस नोट में एक चाबी की बात हो तो रही थी। यार अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि वो जो इविल पेपा पिग है वो सारे फैमिली मेंबर्स को मारना क्यों चाहती है। बीवेयर ऑफ द ओल्ड वोमैन हु लिव्स इन द सेड। होली क्रैप, लाइट कट चुकी है। ओ मम्मी ये कौन है, मेरी तो फट गई। ऑल राइट अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए कि इविल पेपा पिग सबको क्यों मार रही है। ओके मम्मी पिग ने अच्छा डिसीजन लिया है, वो उस झोपड़पट्टी में से बाहर निकल चुकी हैं। आई कैन सी, मैं तो डर गया, क्या बात है, क्या शानदार जंप स्केयर था। मम्मी पिग वो जंप स्केयर देख के डर गई और वो बेहोश हो गई। इविल पेपा पिग मेरे ख्याल से इन्हें किडनैप करने वाली है। पर एक बात मेरे को नहीं समझ आ रहा, इविल पेपा पिग ने सबको मार दिया पर वो मम्मी पिग को नहीं मार रही है, ऐसा क्यों? ये रो रही है क्या? अबे इतना नौटंकी करने के बाद तू रो कैसे सकती है? तुमने देखा दोस्तों ये तीनों कितने डेंजरस लग रहे हैं। ओ तो फाइनली दोस्तों मम्मी पेपा पिग को होश आ चुका है। ओके दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पेपा पिग की ये स्केयरी एनिमेशन वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक करो यार, इतना कंजूसी मत दिखाया करो। और हाँ अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस।